हेलो बच्चों। बेटा बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। उन पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने रखे हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन। सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये कह रहे द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन हियर इज 2 वाट। तो कहते हैं कि ये जो 8 वोट वाला जो बेटा ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 8 वाट वाला, वो 8 ओम वाला सॉरी, उसमें जो पावर डिसिपेशन है वो तो 2 वाट का है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो अब कह रहा है कि जो 3 ओम वाला रेजिस्टर है बेटा, उसके अंदर आपसे पूछा है कि उसमें कितना डिसिपेशन होगा। तो बेटा अगर इधर से आई करंट मान रहा था आ रहा था, तो मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट से कि इधर करंट I1 आया बेटा, और इस तरफ करंट कितना गया होगा लेटेस्ट से, कि वो करंट I2 गया होगा। तो अब एक बात आप ध्यान से देखिए कि इस 8 ओम वाले रेजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेशन 2 वाट है। इसका मतलब बेटा क्या रहा होगा, I1 स्क्वायर इंटू 8 इट शुड बी इक्वल टू 2। तो बेटा यहां से क्या आ गया, I1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बेटा, और यू कैन से कि जो I1 का वैल्यू है वो 1/2 आया। और मुझे 3 ओम रेजिस्टर में से अगर पावर डिसिपेशन चाहिए, तो मुझे 3 ओम वाले रेजिस्टर में से करंट का वैल्यू पता लग जाना चाहिए। अब करंट डिवाइडिंग रूल अगर आपको याद है बेटा, करंट डिवाइडिंग रूल तो I1 करंट कैसे आया होगा, ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस 4 है, टोटल रेजिस्टेंस 8 + 4 = 12 है बेटा, और नेट करंट I आया एंड इट शुड बी इक्वल टू 1/2। तो बेटा यहां से हमारे पास ये आ गया कि जो टोटल करंट आया होगा वो 3/2 एम्पियर आया होगा। इसका मतलब बेटा यहां से जो करंट है बेटा वो 3/2 एम्पियर आया है, 3/2 एम्पियर आया, और नीचे वाले में 1/2 एम्पियर चला गया। तो यानी कि ऊपर वाले में KCL के हिसाब से 1 एम्पियर करंट गया। तो बेटा जो पावर आएगा आपका 3 ओम रजिस्टर में, दैट विल बी इक्वल टू I² × R। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 ओम। तो देखो बड़े जो जो कॉन्सेप्ट आपने अब तक जो पढ़े हैं बेटा, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे आज की क्लास अपनी चलने वाली है। किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन ये बशर्ते बहुत जरूरी है कि जो पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है वो सब अच्छे से आता हो आपको। सो नाउ नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल पावर डिसिपेटेड इन वाट्स इन द सर्किट, भाई टोटल पावर डिसिपेशन बतानी है कितनी है। तो आपको बैटरी सोर्स दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो कोशिश ये करो कि भाई जो पावर आए वो इस फॉर्म में ले आओ, V² / R इफेक्टिव। तो भाई आर इफेक्टिव तो आप देखो कि ये जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, दोनों तो पैरेलल में है। तो यानी कि मैं आर इफेक्टिव निकाल लेता हूं बेटा, आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, और वो 4 के साथ सीरीज में आएंगे, 6 × 3/6 + 3 = 9। तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो 4 + 2, तो बेटा टोटल आर इफेक्टिव 6 ओम आ गया बेटा। तो जो टोटल पावर जो इस सर्किट कंज्यूम करेगा, यही जो डिसिपेट करेगा, इट विल बी इक्वल टू बेटा V² = 18 × 18 / 6। तो इट विल बी इक्वल टू 3 × 18 बेटा, विच विल बी इक्वल टू 54 वाट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 54 वाट। दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। कह रहे कि करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रजिस्टर। अच्छा, तो बेटा जो ऊपर वाला जो 3 ओम वाला जो रजिस्टर है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, ये इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम में से। आपसे पूछा है कि ये जो 5 ओम वाला जो रजिस्टर है, इसमें कितना पावर डिसिपेशन होगा। तो भाई ये जो 2 ओम वाला रजिस्टेंस है बेटा, इसके अक्रॉस आप देखोगे कि 6 वोल्ट का पावर, 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया है। तो वही पोटेंशियल ड्रॉप बेटा इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस आएगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस आएगा।
सीधी सी बात है। तो यानी कि जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच है बेटा, यानी कि ये वाली है ना, ये जिसमें ये लगा हुआ है 5 ओम बेटा और ये 1 ओम, इसके अक्रॉस अगर आपको करंट निकालने को कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो यहाँ 6 वोल्ट रहने वाला है। तो I will be equal to बेटा V divided by R, that is 1 एम्पियर। यानी कि जो नीचे ये वाला जो ब्रांच है बेटा, 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, उसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा? उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो जो पावर डिसिपेट होगा 5 ओम वाले रेजिस्टर में, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बेटा। तो द आंसर विल बी 5 वॉट। तो देखो बार बार आपको वही चीजें यूज हो रही है बेटा, या तो आपको करंट डिवाइडिंग रूल बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या फिर जो बहुत बेसिक से वो कोई नया कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, करेक्ट पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट। देखो फिर से कुछ कुछ वैसा ही होने वाला है। देखो जरा इस ये जो 9 वाट वाला 9 ओम वाला रेजिस्टर है बेटा, इसमें मान लो कि इस ऊपर वाली ब्रांच में बेटा करंट कितना जा रहा है, करंट I1 जा रहा है। तो बेटा I1 स्क्वायर इनटू R, ये तो 36 वाट होना चाहिए। तो यहां से बेटा आपने क्या लिख दिया कि I1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और बेटा ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने क्या लिख दिया, I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी कि नो वाला जो ओम रेजिस्टेंस वाला था उसमें करंट 2 एम्पियर जा रहा है ना भाई। आपसे पूछा कि 2 ओम वाले के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, भैया सीधी सी बात है, मुझे ये पता लग जाए कि टोटल करंट इसमें कितना फ्लो करता है तो सवाल बन जाएगा। आपको 9 ओम में से करंट पता लग गया, तो 9 ओम में करंट डिवाइडिंग रूल से करंट कैसे आया होगा? करंट डिवाइडिंग से आपने कैसे लिखा होगा, आई वन इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6 इनटू टोटल करंट आई। तो बेटा आई वन तो आपने 2 लिखा हुआ है, 6 डिवाइडेड बाई 15 इनटू आई। तो बेटा ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5 एम्पियर। और हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर बेटा, तो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू, उसके थ्रू करंट 5 है और 2 ओम उसका रेजिस्टर, तो 5 टू 10 वोल्ट ये बेटा आ गया अपना। होपफुली सबको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज, अच्छा कह रहे कि जो टोटल पावर डिसिपेट हुई है ना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर या इस सर्किट के अंदर, वो 30 वाट है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, वोल्टेज आपको दे रखा है बेटा, वी विल यूज द फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इफेक्टिव, है ना भाई। R इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया, R इफेक्टिव की अगर बात करें बेटा, तो 5 और R पैरेलल में है, तो 5 इंटू आर ओवर 5 प्लस आर बेटा। और अब पावर आपको दे रखी 30 वाट, वोल्टेज सोर्स है 10 का, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव, 5 आर डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर। तो ये बेटा क्या आ गया, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 टू 10, तो बेटा ये हो गया 3 आर इज इक्वल टू 10 प्लस 2 आर। So you will get R is equal to बेटा, R is equal to 10 ohm. R का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 10 ohm आ गया, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है सभी को? ओके बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा पढ़ते हैं। देखो बेटा, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, दो सिटीज है बेटा, मान लो ए और बी है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, कह रहे कि इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू ए कॉपर वायर, कॉपर वायर के थ्रू भेज दिया, बहुत बढ़िया। कह रहे द फोल
ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर। इसका मतलब था जब 1 किलोमीटर का जब वायर होता है तो उसमें 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। चलो तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बेटा यहां से यहां जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा दैट विल बी इक्वल टू 150 × 8 वोल्ट। ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अच्छा एवरेज रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि पर किलोमीटर जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है बेटा। टोटल 150 किलोमीटर है तो ये तो इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब बेटा पावर पूछा गया तो पावर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था V² / R। तो बेटा क्या लिखेंगे 8 × 150 × 8 × 150 है ना V² / बेटा 0.5 × 150। ये बेटा आ गया आपके पास टोटल ये वैल्यू आ गई ये चीज आ गई आपकी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना 150 से तो 150 कैंसिल आउट कर देंगे बेटा और ये आपका हो जाएगा 8 × 8 दैट इज 64। ये हो गया बेटा 64 और ये हो जाएगा 300। तो बेटा जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा ये 19200 वाट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यू कैन राइट 19.2 किलोवाट। चलो बेटा देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहे 3 equal resistors कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। अच्छा देखो बेटा क्या कर दिए 3 resistances सीरीज में लगा दिया और किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया बेटा उसको उसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ माने कि वी से कनेक्ट कर दिया बेटा ये आर ये आर ये आर। तो कह रहे पावर जो डिसिपेट हो रही है वो 10 वाट हो रही है। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ये तीनों तो सीरीज में है बेटा ये 3R बन गया और भाई ये तो V वोल्ट का है तो ये लो बेटा। तो बेटा इस केस में जो पावर है दैट कैन बी रिटन एज V² / 3R। तो भाई यहाँ से एक इक्वेशन तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 = V² / 3R। ये आपकी बेटा पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरी एक और बात कहिए व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस। कह रहे कि तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा इस बार इस तरीके से सेम ही सोर्स है इस बार बेटा लेकिन ना ये भी आर और ये भी आर भाई तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये R/3 हो जाएगा और ये बेटा V हो जाएगा। तो भाई अब यहां से इस केस में पावर कैसे लिखोगे नई पावर V² / R/3 बेटा इट विल बी 3 × V² / R। तो बेटा इस वाली इक्वेशन से आप क्या देख सकते हो कि V² / R की जो वैल्यू है वो तो 30 है बेटा। तो अगर वो वैल्यू 30 है तो देखो P- की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 × 30 दैट इज 90 वाट। 3 × 30 = 90 वाट। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चल देखो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। करे यूनिफॉर्म वायर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस ए 200 वॉट लाइन प्रोड्यूसेस अ हीट ऑफ H J/s। तो बेटा बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपको क्या गिवन है ये आपको पावर गिवन है ना J/s इसका मतलब पावर गिवन है आपको। अच्छा यूनिफॉर्म वायर है बेटा यूनिफॉर्म वायर अगर है तो मान लो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो आर है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ होगा यानी कि H = क्या लिख दिया गया होगा बेटा V² / R। चलो अब क्या कहेंगे बेटा पहले तो इस वायर को N equal parts में तोड़ दिया काट दिया N equal parts। तो अगर N equal parts में काटेंगे तो ये हमने पहले किया हुआ है बेटा हर एक जो रेजिस्टेंस होगा बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/N, 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 and so on। और अब इन सबको बेटा जब पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N² R इफेक्टिव अब ये बन जाएगा।
और अभी भी बेटा उसको सेम ही उससे कनेक्ट किया है, तो एच डैश विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव। तो बेटा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाय एन स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो वी स्क्वायर बाय आर है बेटा, इसकी इक्वेशन नंबर से वैल्यू एच है, सो द न्यू हीट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच, एन स्क्वायर इंटू एच। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द सेम मास ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू टू वायर्स 2 mm एंड 3 mm थिक। द टू वायर्स आर देन कनेक्टेड इन सीरीज एंड द करंट इज पास थ्रू देम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस बिटवीन द देम। तो बेटा देखो, दोनों सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो वी विल यूज द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। सीरीज में है तो बेटा करंट सेम रहेगा, समय दोनों के लिए सेम है, तो यहां से बेटा मैं ये बात बोल सकता हूँ H is directly proportional to R। लेकिन अब जरा R का खेल देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि मास जो है वो सेम है बेटा और थिकनेस का रेशियो दे रखा है, थिकनेस का क्या दे रखा है आपको, हाँ थिकनेस दे रखी है आपको। देखो बेटा, तो R का देखो, R is equal to आप बेटा कैसे लिखते हो, rho L by A। तो बेटा एरिया तो कैसे लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। और बेटा अब देखो लेंथ को कैसे लिखें, तो लेंथ को ऐसे लिख दो बेटा, आपको बहुत अच्छे से पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए इंटू एल बेटा, है ना। और वॉल्यूम तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए। चलो एक काम कर दो, यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए और एरिया को बेटा फिर से पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब हम ये बात जानते हैं डेंस, क्योंकि मुझे मास के टर्म्स में चीजों को लेकर के आना है बेटा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो R is equal to बेटा rho m by pi square हो गया बेटा d और R की power 4। आप देखो rho भी constant है क्योंकि दोनों copper wire हैं, mass को constant दे रखा है, pi constant है और d density है, दोनों copper हैं, तो सब ये वाला factor पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, ये constant हो गया। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि R is inversely proportional to radius, यानी कि जो thickness आपको दे रखी है उसका power 4। तो बेटा यहाँ से भी सवाल हो जाता है फिर तो हमारा, H1 by H2 is equal to बेटा R2 by R1 की power 4। तो बेटा R2 तो आपको 3 mm दे रखा है और R1 आपको 2 mm दे रखा है, तो बेटा ये हो गया 81 divided by 16। This is the required ratio and this is the answer to this question। तो बढ़िया सा question था, थोड़ा सा manipulation, देखो मतलब ये वाला chapter में आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ बेटा कि इस chapter के अंदर manipulation बहुत जरूरी है। आप एक quantity को दूसरी में, दूसरी को तीसरी में convert करना जानते हो, अगर आप ये काम कर पाएंगे तो ही बहुत अच्छे से इस chapter के questions को कर पाएंगे, है ना। देखो जरा अगला question देखते हैं, कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो जरा, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 1:2 बेटा, यानी कि बेटा लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 1:2, और बेटा उनका रेडियस का रेशियो भी दे रखा है, रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी इज 2:1, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी, मैं वो पाई आर स्क्वायर वाले फंडे से करूंगा तो 4:1 आ जाएगा ना बेटा, पाई आर स्क्वायर वाले फंडे से आर का स्क्वायर आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ए टू बी, और बेटा क्या कहा है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा जब पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में आप क्या बात जानते हो बेटा, V दोनों के लिए सेम रहेगा, V सेम रहेगा तो बेटा हीट का या पावर का बेटा हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो V स्क्वायर बाई R।
वी स्क्वायर बाई आर बेटा मैं बार बार आपको बताया था जब ये लेक्चर में भी पढ़ाया था कि बेसिकली होने क्या वाला है कि पैरेलल के केस में वोल्टेज दोनों में सेम रहेगी, इसलिए ये वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा। वी तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो, और समय दोनों के लिए सेम है तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बात समझ में आ गई। और बेटा आर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, तो बेटा यहां से जो मुझे चाहिए हीट ए डिवाइडेड बाई हीट बी इज इक्वल टू, बेटा क्या लिखें, देखो आप यहाँ पे देखो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बेटा, तो इसका मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा इसको आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी कैसे लिखोगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में एल बी बाई ए बी इंटू एल ए एरिया ऑफ ए, तो बेटा ये एक तो ये आ गया एल बी बाई एल ए इंटू एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी। तो बेटा एल बी बाई एल ए देखो ये, इसको इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूं बेटा और इसको इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/1 और बेटा ये वैल्यू आ गई 4/1, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8:1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बेटा 8:1 आ जाएगा। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में, नीट में, मतलब नॉट द सिमिलर क्वेश्चन बट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, ये टाइम की वैल्यू अलग अलग कर देते हैं लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बेटा, देखो देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि इफ ए हीटिंग कॉइल बॉइल्स वाटर इन 10 मिनट इन अनदर हीटिंग कॉइल बॉइल्स सेम वाटर इन 2 मिनट। बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास दो कॉइल है बेटा, है ना, एक तो बेटा एक कॉइल नंबर वन है आपका ऐसे मान लो, और एक बेटा आपका ये कॉइल नंबर टू है, कॉइल नंबर टू है। तो देखो मान लो कि ये तो आपको टी वन में जनरल रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं बेटा, पहले ये कह रहे कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बेटा ये टी वन समय में हीट करता है और ये टी टू समय में। अब भाई आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज सेम अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसको हीट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी। मैं कहता हूं कि भाई वो हीट जो उसको आवश्यकता होगी वो एच हीट चाहिएगी। अब आप भाई उसको जैसे मर्जी गर्म कर लो, कॉइल ए से गर्म करो, कॉइल बी से गर्म करो, दोनों को सीरीज में जोड़ के गर्म करो, दोनों को पैरेलल में जोड़ के गर्म करो, जिस मर्जी से आप हीट करो, जिस तरीके से आप उसको हीट करो, इतनी अमाउंट ऑफ हीट ही लगेगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, यानी कि कुल मिलाकर के हीट कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस के अंदर। तो बेटा अगर मैं सीरी अगर मैं पहले वाले केस में बात करूं, इनडिपेंडेंटली इस कॉइल ने अगर उसको हीट किया, और देखो कि इसका मतलब क्या है कि वी की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो बेटा ये क्या रहेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा इसका रेजिस्टेंस आर वन मान लो इनटू समय इसने लगाया टी वन, ये तो पहली इक्वेशन होगी बेटा। जो कॉइल नंबर दो है एच तो उसको भी सेम लगेगा, भाई बैटरी तो सेम ही लगाई है अभी भी। चलो जी ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, इतना बात तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखो जब आप इसको पहला केस में करता हूं बेटा, केस वन, जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे बेटा, जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो आर इफेक्टिव आएगा बेटा, आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा बेटा वो तो आपका आर वन प्लस आर टू आ जाएगा, आर इफेक्टिव विल बी आर वन प्लस आर टू, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा आर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू, देखो बेटा जो आपकी ये देखो ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से आर वन की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो फिर से, मैं आपको कह रहा था कि मैनिपुलेशन का बड़ा रोल है वो एच, और बेटा आर टू का वैल्यू इस वाली इक्वेशन से आप देखिएगा, इस वाली इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू
वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू टी टू, ठीक है, ये आर इफेक्टिव आ गया बेटा। तो इस केस में देखो, अगर मैं इस वाले तरीके से हीट करूंगा तो एच विल बी इक्वल टू, भाई वोल्टेज सोर्स तो वही है, डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव। तो बेटा वी स्क्वायर और आर इफेक्टिव की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, तो बेटा वी स्क्वायर बाय एच कॉमन और ये टी वन प्लस टी टू। अच्छा बेटा इसको टी जो सीरीज से टाइम आया टी एस लिख देता हूं बेटा मैं इसको। तो आप देखो इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एच इज इक्वल टू ये क्या बचेगा बेटा आपका एच इंटू टी एस डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। तो बेटा सीरीज में जो समय लगा वो टी वन प्लस टी टू लगेगा, ये आंसर एक पार्ट में ये आ गया हमारा। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा था इस क्वेश्चन में 10 मिनट और 12 मिनट बता रखा था, तो बेटा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो समय आपको लगेगा वो 10 प्लस 2 मिनट लगेगा, माने कि 12 मिनट इसका आंसर आएगा। बट ये जनरल रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करेंगे कि दो कॉइल्स को अगर सीरीज में ज्वाइन किया है बेटा तो, और इंडिविजुअल टाइम अगर उनको गर्म करने का टी वन और टी टू था, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, अब इस केस में टाइम टी वन प्लस टी टू हो जाएगा सीरीज के केस में। अब भाई अब सीरीज वाले केस में अगर बात करें बेटा, है ना, सीरीज वाले केस में एक सेकंड ये देखो, तो सीरीज वाले केस में भी जो एच आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो भी वी स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव होगा बेटा, आर इफेक्टिव। अब एक बात बताओ यहाँ पे हम आर इफेक्टिव कैसे लिखते हैं बेटा, पैरेलल के केस में वन अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो बेटा आप जरा ध्यान से सोचो कि इसको ऐसे लिख सकते हो ना, वन वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर इफेक्टिव, इसका मतलब बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो देखो बेटा आर वन की वैल्यू आप जानते हो, है ना, आर वन की वैल्यू आप जानते हो, आर वन किसके इक्वल है, आर वन इज इक्वल टू, या आप वन बाई आर वन किसी की वैल्यू पुट कर दो, आर वन विल बी इक्वल टू बेटा वी स्क्वायर टी वन बाई एच प्लस, ये भी बेटा इस तरह से आ जाएगा वी स्क्वायर टी टू। ये बेटा इक्वेशन नंबर वन और टू से ही सब्सटीट्यूट किया है, कुछ नया नहीं किया है, बिल्कुल जैसा पहले किया था सेम एज इट इज कर दिया। तो बेटा एच इज इक्वल टू बेटा आप देखो वी स्क्वायर एच और नीचे से वी स्क्वायर कॉमन यहाँ से ले आए बेटा। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ तो हमने करी दी है कि इसको बेटा टी पैरेलल से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं किया, टाइम से तो मल्टीप्लाई करना ही था, यहाँ पे भी टी पी से मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू इंटू टी पी। तो भाई वी स्क्वायर से वी और एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ गया बेटा, वन बाई टी पी इज इक्वल टू वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू। ये देखो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं जैसे बेटा कि सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंसेस के रेशियो आते थे, और यू कैन से टी पी इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू ओवर टी वन प्लस टी टू। तो बेटा 10 into 2 over 10 plus 2 is 12. तो यहाँ पे जो टाइम लगा बेटा 5 by 3 मिनट लगा। तो आप देखो कि सीरीज में समय हमेशा कम लग रहा है, सीरीज में समय ज्यादा लग रहा है, पैरेलल में समय कम लगेगा, तो यानी कि बेटा हमेशा क्या रहेगा, टी एस इज ग्रेटर देन टी पैरेलल, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर दो अलग अलग कॉइल्स हैं बेटा उनको जब आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सीरीज में समय ज्यादा लगेगा सेम अमाउंट ऑफ किसी भी लिक्विड को हीट करने में, और अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसमें समय वो जल्दी गर्म हो जाएगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर को आप हीट करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है बेटा। और ये दो रिजल्ट जो हमने बताए हैं ये दो रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
टी सीरीज विल बी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू एंड टी पैरेलल वाला रिजल्ट आएगा दैट विल बी वन बाई टी पी इज इक्वल टू वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू। ये रिजल्ट बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसा कि पैरेलल और सीरीज के रेजिस्टेंसेस के रेशियोज आते हैं। चलो बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वाट एट 100 वोल्ट। चलो भाई इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो मैं निकाल सकता हूँ, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ये फॉर्मूला होता है बेटा वी स्क्वायर बाय पी, तो ये रेटेड होता है बेटा, ये ध्यान रखना रेटेड, वी रेटेड और पी रेटेड। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी पावर इज 100 बेटा, तो ये आपका आ गया कि जो रेजिस्टेंस है बेटा वो 20 ओम आ गया इसका। इज यूज इन सर्किट हैविंग ए 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है इसमें यूज किया है इसको, यानी इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। कह रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब। अच्छा देखो भाई, एक तो ऑलरेडी ये बल्ब है, हमें बल्ब से कोई मतलब नहीं, हमें उसका रेजिस्टेंस चाहिए वो है। इसके सीरीज में एक आर रेजिस्टेंस और क्या कनेक्ट हो, और इसको किस सप्लाई से जोड़ा है, इसको बेटा सप्लाई जो दी है दैट सप्लाई इज 200 वोल्ट। अब ये क्या चाहते हैं बेटा कि जो पावर आए वो 500 वाट आए, तो भाई पावर का फॉर्मूला मैं जानता हूं, इट शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव। तो बेटा ये देखो सॉल्व कर लेते हैं, इट इम्प्लाइज 500 इज इक्वल टू बेटा वी स्क्वायर कितना हो गया 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय बेटा आर प्लस 20। तो देखो जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, तो भाई यहां से आप देखो इसको थोड़ा सा और इधर सॉल्व कर देता हूँ, पी इज इक्वल टू बेटा ये कितना हो, सॉरी पी नहीं, ये बेटा ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5R प्लस 100 इज इक्वल टू 400 बेटा, तो बेटा ये कितना हो गया 5R इज इक्वल टू 300, ठीक है। चलो तो बेटा R इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 60 ओम का वैल्यू आ गया, R इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, R इज इक्वल टू आपका 60 ओम आ गया है, ये क्लियर है, देख लो बेटा जल्दी से देख लो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा करें इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम 500 वाट व्हेन कनेक्टेड टू ए 100 वाट लाइन। चलो भाई इसका मतलब मुझे पावर दे रखा है 500 वाट, जब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ 100 वोल्ट की लाइन से, तो बेटा ये तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ क्या कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो बेटा पावर तो 500 दे रखा है, V स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R, तो R मुझे पता नहीं, तो बेटा यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, R की वैल्यू 20 ओम आ गई फिर से। चलो करेक्ट, इफ द लाइन वोल्टेज बिकम्स 150 वोल्ट, तो कह रहे कि अगर लाइन वोल्टेज 150 बन गई तो कोई बात नहीं बेटा, नई पावर क्या आ जाएगी वी स्क्वायर यानी कि 150 इंटू 150, और बेटा रेजिस्टेंस है 20, रेजिस्टेंस है 20, ये आ गया, तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1125 वाट। बोलो बेटा क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा ये 13th हो गया है, 14th क्वेश्चन। चलो बेटा देखो करेक्ट, इफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ईच डिजाइंड टू ऑपरेट विद द पावर ऑफ
अच्छा बेटा, जो बल्ब जो हमें दे रखा है ना, बल्ब का बेसिकली रेटिंग आपको दे रखा है 500 वाट और 220 वोल्ट, ये दे रखा है आपको। चलो भाई, तो बेटा इससे आपको रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो पता लग जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो बेटा आपको रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब पता लग गया, आर बल्ब विल बी इक्वल टू 22 × 22 डिवाइडेड बाय 5। चलो अब कह रहे हैं कि दे आर पुट इन सीरीज विद 110 वोल्ट लाइन। तो देखो बेटा, दो रेजिस्टेंसेस थे और दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, टोटल अगर आप उसको 110 वोल्ट दोगे तो बेटा इंडिविजुअल के अक्रॉस जो जाएगा वो इंडिविजुअल 55 55 वोल्ट का चला जाएगा उनके पास सप्लाई। तो आपको किसी एक के अक्रॉस पावर बतानी है, तो बेटा किसी भी एक के अक्रॉस जो पावर जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना। पावर तो कितना है बेटा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा उसका बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं। तो 11 2 जा 11 5 जा 11 2 जा 11 5 जा। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 31.25 वोल्ट। तो ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका पावर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलो बेटा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, आज की क्लास में बेसिकली कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पिक किए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पिक किए ताकि इजीली वो हो जाए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अब करें कि तीन आपके पास बल्ब हैं बेटा 60 वाट और 120 वोल्ट के, ऐसा आपको दे रखा है। तो बेटा आप यहां से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर दैट इज 120 × 120 डिवाइडेड बाई बेटा पावर, तो ये 240 ओम आ गया आपका। तो अब आप एक बात देखिएगा कि अब एक तरह से सर्किट आपका इस तरह का बन गया बेटा, कि ये एक बल्ब है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बताता आया हूं बेटा, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे बल्ब है और कहाँ पे ट्यूबलाइट है, कहाँ पे क्या है, हमें तो ये मतलब है वहां का रेजिस्टेंस कितना है बेटा। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस 240 ओम, इसका रेजिस्टेंस 240 ओम और इसका रेजिस्टेंस भी 240 ओम। और बेटा ये सप्लाई 120 वोल्ट की है, कुछ नहीं दे रखा हो तो मैं यही सप्लाई मान लेता हूँ सवाल में। तो अब आप एक बात देखो बेटा कि पहले तो इस सर्किट का आर इफेक्टिव निकालो। तो आप देखो ये वाला 240 ओम और ये वाला 240 ओम तो पैरेलल में है और वो 240 के साथ सीरीज में है, तो जो इफेक्टिव बनेगा वो 240 प्लस 120 बेटा, विच विल बी इक्वल टू 360 ओम बन गया। अगर 360 ओम बन गया है बेटा तो देखो, तो बेटा अब यहां से हम करंट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वी डिवाइडेड बाय आर, ये आ गया बेटा 1/3 एम्पियर करंट आया, यानी कि यहां से बेटा 1/3 एम्पियर करंट जाएगा, इस वाले में 1/6 एम्पियर करंट जाएगा और इस वाले में भी 1/6 एम्पियर करंट जाएगा। अब हमसे क्या क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में, हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि पावर डिसिपेट पूछा है और हर एक बल्ब के अक्रॉस आपसे ये पूछा है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा। तो चलो मैं इसको बल्ब नंबर 1 बोलता हूँ बेटा, इसको बल्ब नंबर 2 और इसको बल्ब नंबर 3। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 में करंट 1/3 आ रहा है और उसका रेजिस्टेंस 240 है बेटा, तो ये तो 80 वोल्ट बन गया बेटा। 2 और 3 बेटा पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट 1/6 है और रेजिस्टेंस 240 है बेटा, तो ये हर एक के अक्रॉस 40 वोल्ट आ गया बेटा। पावर जो 1 के अक्रॉस आएगी करंट के थ्रू निकाल लेता हूं बेटा, आई स्क्वायर यानी 1/3 × 1/3 × 240। तो बेटा ये पावर डिसिपेशन आ गई 80/3 वाट।
और अगर बेटा मैं बात करूं टू और थ्री में, तो टू और थ्री के अंदर पावर सेम आएगी, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर बेटा 1/6 इंटू 1/6 इंटू आर। तो ये बेटा 40, तो ये बेटा 20/3 वाट आ गए। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, क्वेश्चंस कर लिए। तो ये जो जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए बेटा, इसको आप अच्छे से आपने की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही नॉर्मल लेवल के हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है बेटा? ओके।